मिस्टर विनायक, आप अपना रेनोवेशन शुरू कर दीजिए. विल गो विंग टू विंग ताकि काम ना इफेक्ट हो. तो विल स्टार्ट फ्रॉम जी एच एंड एफ. उसके बाद विल कम टू ए विंग. ऑल राइट. बट मिस सलाका, मिस्टर आलो, आप इस हॉस्पिटल के डीन हैं और मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ. अगर मुझे आपसे कोई सजेशन देना होगा, आई आस्क फॉर इट. ओके किशोर, तुम अभी प्यारे के साथ काम चालू कर. देखिए, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि विंग ए की कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है और काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया गया है. मिस्टर विनायक, फिलहाल ए विंग को छोड़ दीजिए, उस पर कोई काम नहीं होगा. ओके, हैप्पी. ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी देन. सुनो, ये ब्लूप्रिंट रखो और हाँ, संभाल के काम करना, ठीक है? जा. अच्छा प्यारे, इधर चलना है. नहीं भाई, उस साइड है, उधर चलो. चलो यार. प्यारे, एक बात बता, हमें तो एफ ए विंग में जाना था ना, तो फिर ये कौन सा विंग है? अरे यार छोड़, अपने को क्या लेना, अपने को काम शुरू करना है. इधर से ही अपन काम शुरू करते हैं. इस जगह की हालत तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सालों से यहाँ पे नजर नहीं डाली. अरे यार, मुझे बहुत डर रहा है, चल चलते हैं. अरे छोड़ यार, मैं हूं ना तेरे साथ, चल निकल, काम शुरू करते हैं. अरे यार प्यारे, यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है. अच्छा चलो, नक्शा निकाल तू, चल देखते हैं कैसे क्या कर रहे हैं. हाँ इसमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है. छोड़ना उस ताले को, अपने को दीवार तोड़नी है. चल अपन काम शुरू करते हैं. चला. हाँ चल, तू ही शुरू कर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. अरे एक मिनट इधर देख, तो क्या है? क्या हो गया तेरे को? बाहर निकल, तू बाहर निकल. अरे बाहर निकल, क्या हो गया? ओए अरे बाहर निकल, बाहर निकल, क्या हो गया? ऐसा लगा जैसे किसने मेरी बहुत जोर से गला दबा रहा है. अरे अपने पास है. मैं कुछ नहीं है, बोला मैं छोटा ही बोलता. सच में मेरा कोई गर्दन प्यारे, हाँ, तुझे कुछ आवाज सुनी दे रही है? किधर किधर? गौर से सुन. किधर? वो देख. बहुत देर कर दी आने में, ऑपरेशन नहीं कराना. बचाओ मुझे! हेलो हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर आलोक, क्या हुआ? आपने ये आवाजें सुनी? आवाज नहीं डॉक्टर, कोई आवाज नहीं है. डॉक्टर आजकल आप कुछ ज्यादा ही सुनने और समझने लग गए हैं.
मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम, अब चलें। यार ना रेस लगाने को दिल कर रहा है यार। तू पागल है यार, वो गाइस आर ड्रंक यार। ड्रंक? आई थिंक दैट्स द फन डूड। व्हाट डू यू से गाइस? वो इतना दिमाग खराब हो गया, आगे पता कितनी पुलिस होगी। आराम से चलते हैं, पकड़े जाएंगे। नहीं तो सुन, तुम लोगों को आना है तो आओ, मैं तो चला। रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, रुक। डॉक्टर आलोक सर। यस सर, एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आया है, पेशेंट का सर पूरा फटा हुआ है, बहुत ब्लड बह रहा है। ओह माय गॉड, एक काम करो, उसे ओटी में ले जा और सर्जरी की तैयारी। जी सर, मैं चलती हूं। It's okay, Mr. Pran. आप हॉस्पिटल में हैं, so don't worry, बस बस आराम से सांस लेते रहिए ना। What is this? Anesthesia का डोज ठीक से नहीं दिया था क्या? सर, जो आपने बोला था वही डोज दिया, पता नहीं फिर भी इसे होश क्यों आ रहा है। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। प्राण, मैं डॉक्टर संजीव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, वो बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े से टांकी दी है डॉक्टर्स ने आपके सर पर। इसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब कुछ ठीक है, तू टेंशन न कर। शीना जी, तुम प्लीज उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाओ ना जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। मैं अभी बुला। ये क्या है? इसके सर पे क्या हुआ? क्या हुआ इसके सर को? ये सर, ये सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को पेन के लिए इंजेक्शन दिया और फिर मैं भी यहाँ नहीं थी। मीरा, इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है, एक काम करो, इसे एक नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके। पता नहीं ये सब किसने किया है। लेकिन मैंने इस तरह के टाके नहीं लगाए, ये किसने किया है? कौन है वो? डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको यहां से डिस्चार्ज करो, निकालो इसको यहां से, निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है, कल ही तो इसको सर्जरी हुई है और आज डिस्चार्ज। इसे भेजो यहां से, डिस्चार्ज करो, भेजो। डॉक्टर सुनिए तो, ये नहीं हो सकता। मुझे ए विंग में जाके देखना होगा। बड़ा अजीब आदमी है, बस थैंक यू ही तो बोलना था उन डॉक्टर्स को। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया सर्जरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, उस रात के बाद तो
वो लोग कोई सर्जरी नहीं कर सकते। बचाओ! जल्दी कमॉन तैयारी करो, नर्स जल्दी ब्लड बैंक से खून अरेंज करो। सर्जरी की तैयारी करो जल्दी, सर्जरी की तैयारी करो क्या हुआ सर? डॉक्टर लोग, what happened? आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सर आप परेशान मत होइए, क्या पता उस लड़के को गलतफहमी हुई हो। क्या गलतफहमी? तुमने सुना नहीं वो उसने क्या कहा? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया, वो उन दोनों का नाम कैसे जानता है? और उसने वो डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया को वो सर्जरी के लिए थैंक्स क्यों कहना चाहता है, जबकि सर्जरी मैंने अपने हाथों से की थी। और वो टाके मैंने नहीं लगाए थे। अरे जो लोग जिंदा ही नहीं है वो उसे दिखाई कैसे देते? कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? शरखा जी, आपने उसे वो चीखे सुनी थी ना, वो चीखे? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? इन चीखों के पीछे क्या राज है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि चीखें कहाँ से आई थी। आइए 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 मेरे साथ, मैं दिखा। ये दीवार कैसे टूटी? ये हेलमेट तो वो उसी वर्कर का है ना? हाँ। ये सब यहाँ पे ये तो वही नक्शा है जो आपको दिखाया था उन्होंने। हाँ डॉक्टर जल गया होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ताला कैसे खोला? नहीं जरूर कोई बात है। डॉक्टर वैसे इस एविंग में हुआ क्या था? एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हैं। ये मेरे सामने खड़ी है। सर कौन खड़ा आपके सामने? सर मैं से महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है सर यहाँ पे। है यहाँ पे है ये। सर क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो क्या वो वहाँ पे भी है। चलिए आप लोग चलिए। हाँ सर, वही नहीं सर। चलिए डॉक्टर। हाँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज, चलिए आइए आइए चलिए। आप
देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई कोई है, है कोई यहाँ पे? डॉक्टर साहब बस चलिए यहाँ से, मेरे चलो चलो यहाँ से, डॉक्टर चलो यहाँ से प्लीज। ये लो बेटा, दवाई खा लो। बड़े बदतमीज किस्म के डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के। एक दिन में सर्जरी करके दूसरे दिन को डिस्चार्ज करता है। केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टर पर तो। और ये कैसे आने तेरे से टांके लगाए हैं? ऐसे कोई सर्जरी होती है? और वो डॉक्टर आलोक, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बात भी सुनने को तैयार नहीं था, ऐसा कैसे भाग गए वो? और हाँ, क्या नाम था उन दोनों डॉक्टर का? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया। तुम उन दोनों को थैंक यू तो बोलना चाहते थे ना? फिर उसको आलोक को इतना घबरा के भागने की क्या जरूरत थी? बस करो माँ बस। कब से बकबक किए जा रही हो? सर दर्द कर रहा है मेरा, सोने दो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो, उन सबसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। आराम करो बेटा, सोचो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे? ये जरूर कोई बुरा सपना है, बुरा सपना है कोई। दोनों यहाँ ऐसे कैसे? तुम लोग जिंदा नहीं हो ना? तुम लोग तो मर गए हो। तभी डॉक्टर आलोक तुम्हारा नाम सुनकर घबरा गए थे। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम हमें 20 लाख कर दो,
हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कैसे? ये नहीं हो सकता, ये कोई बुरा सपना है। मेरी नींद खुलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? It's not possible. ये क्यों कर रहे हो तुम? Please, मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। No, no, this is not happening. No, नहीं, नहीं। Please, मुझे जाने दो। Please, मुझे जाने दो। अब यकीन हुआ? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस सच को तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बदतर बना देंगे हम। लगता है हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं, रुक जा। मरीज चाहिए। देखिए डॉक्टर, दीवार बंद कर दी। चलिए आइए। प्लीज लॉक ठीक से लगाइएगा। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल डॉक्टर, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि ए विंग को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो पूरा अस्पताल खतरे में पड़ गया। डॉक्टर आलोक, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ। पैसे लगे हैं मेरे। आपने कहा था एविंग पे हाथ मत लगाओ, नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकती ना। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए। कम ऑन, चलिए चलिए कम। हाँ माया, तुम्हारा चेक इन हो गया। कम फास्ट यार, आई रियली मिसिंग यू यार, प्लीज। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रहा हूँ। बाय बेबी, टेक केयर। रान, तू कब आया? कुछ खाने के लिए है, बहुत भूख लगी है। खाना तो कुछ बनाया नहीं है, मगर हाँ ऑर्डर कर रखा है। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है। प्राण, खाना तो नहीं है,
फ्रूट्स हैं। प्राण, तू तू ठीक है? सिस्टर, वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा कर अभी अभी इधर गया। कहाँ है जा? क्या ऑपरेशन को हमें दिखाइए। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हो आप? अरे मुझे पता है ऐसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूं। सब लोग यहां से निकल जाओ, हॉस्पिटल खाली कर दो, खाली कर दो हॉस्पिटल। कोई 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 यहां रहे, वो लोग वापस आ गए। निकलो, भाग जाओ, ये हॉस्पिटल खाली कर दो। यहां कोई नहीं रहना चाहिए, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ कूल डॉक्टर? सबको बोलो यहाँ से निकल जाए। हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए। वापस आ गए। कैसे हो गया? तुम लोग सब समय से जाओ, वो लोग वापस आ गए, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब जाओ, सब जाओ। ओह माय गॉड, चुप, गेट इट बैक। वो लोग वापस आ गए। बहुत लोग सर, आज से बहुत साल पहले हमारे हॉस्पिटल में जब सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें काफी लोग जलकर मर गए थे। उसमें डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया भी जलकर मर गए थे। वो लोग वापस आ गए, सारे बड़े भी लोग वापस आ गए। वो हमारे हॉस्पिटल को लेना चाहते, उन्हें वो हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल खाली कर दो, निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से, खाली कर दो हॉस्पिटल। हाँ यार, आज की शिफ्ट कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो गई। कॉल सेंटर ना मेरी जान लेके रहेगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये माँ को दरवाजा खुला रखने की नई बीमारी हो गई है क्या? माँ, आई एम होम। माँ, Thank you.
माँ, प्राण भैया, माँ, प्राण भैया, ओह नो, ये भैया की तबीयत वापस से तो नहीं खराब हो गई? मैं भैया को फोन करके देखती हूँ। भूल गए। से क्या मैं घर से बाहर गई? इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी। ये क्या हो गया आपको? अनु, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो, तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो। डॉक्टरों के साथ उनका हाथ बटाओ।
जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी लौट पाऊंगी। यहाँ से बच के निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस कमरे में जितना भी पुराना सामान, खास तौर से सर्जरी के इक्विपमेंट, औजार वगैरह रखे हैं, उन्हें अलमारी से निकालकर बगल वाले कमरे में फर्नेस में डालकर उन्हें जला दो, क्योंकि वो सभी उस हादसे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कौन सा हादसा? इस ए विंग में सिलेंडर फटने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सभी डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी उस हादसे में मारे गए। और उस वक्त उस जगह का जो भी सामान है उसमें इन लोगों की आत्मा बसी हुई है, और इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सभी सामान को जला दिया जाए। इसलिए जल्दी जाओ और उस सामान को जला दो, तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ।